शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से श्रद्धा, ये खीर तुम्हारी मम्मी ने भेजा है तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए। हिम्मत है तो मेरे सामने आके बात करो मुझसे। बेकार में यहाँ समय गवा रहे हैं, इससे तो अच्छा है जाइए 50 लाख का इंतजाम कीजिए। वरना आखिर तुम आ ही गई, लेकिन अब तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। अगर हमारे प्लान में जरा सी भी रुकावट आई तो उन्हें अपने दोनों बच्चों का चेहरा देखना भी नसीब नहीं होगा। कैसे निकल गई श्रद्धा हॉस्पिटल से? मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दी थी ना उसकी। अबे मेरा यकीन करने की कोशिश करो, मैं वहाँ श्रद्धा के साथ ही थी। श्रद्धा को अचानक से सांस नहीं आ रही थी तो मैं बस डॉक्टर को बुलाने गई थी, और जब वापस आके देखा तो श्रद्धा वहाँ थी ही नहीं। भाई साहब, आपने इन्हें कहीं देखा क्या? इनका 9 महीने चल रहा। मैम आपने देखा इन्हें कहीं? देखा क्या? इनका 9 महीने चल रहा। भाई साहब आपने इन्हें कहीं देखा? श्रद्धा फोन उठाओ, श्रद्धा फोन भी नहीं उठा रही है। बहुत शातिर है वो, उसकी हालत पर बिल्कुल मत जाना, हमेशा 2 कदम आगे रहती है, उस पे से एक पल के लिए भी नजर नहीं हटनी चाहिए। अनुज, इस वक्त हर पल हम पर भारी है। सबसे पहले हमें पायल को जो रकम देनी है उसका इंतजाम करना होगा। हाँ सर, आप हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। अनुज, हम सब एक ही परिवार है, और ये मत भूलो पायल के कोख में जो बच्चा है वो हमारा खून है, और हम उसे कुछ होने नहीं दे सकते। हम पता करते हैं। पता नहीं किस हाल में होगी श्रद्धा, ऐसे भी वो माँ बनने के लिए तरस गई थी, और अब गर्भ के इस आखिरी महीने में उसे और कितना सहना पड़ेगा माता रानी। हे भगवान, हमारी दीदू को बचा लीजिए। मैं अपनी श्रद्धा को बचा नहीं पाया उस पायल से। भाई सब मेरी गलती है, खतरा जानते हुए भी मैंने कुछ नहीं किया। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, मैं तो बचा नहीं पाया यार। होश में आवे, होश में आ, संभाल अपने आप। हमें पहले श्रद्धा को बचाना है, तुझे अपने दोनों बच्चों को बचाना होगा। पहले पैसों का बंदोबस्त करते हैं, हमारे पास वक्त बहुत कम है। नहीं भाई, पायल बड़ी गिरी हुई औरत है, वो पैसे मिलने के बाद भी श्रद्धा को जाने नहीं देगी। मुझे उसे ढूंढने जाना ही है। मैं भाई, उसको कुछ भी हो गया ना, मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। भाई तू पैसों का इंतजाम कर, मैं श्रद्धा को ढूंढता हूँ, प्लीज भाई। नहीं अबे, मैं तुझे ऐसे अकेले नहीं जाने दूंगा। भाई तू समझ क्यों नहीं रहा? भाई मुझे श्रद्धा को ढूंढना है। मेरा भाई है ना, तू मेरी मदद करना चाहता है ना, तो तू पैसों का इंतजाम कर दे मेरे लिए प्लीज। नहीं अबे, मेरा मन नहीं मान रहा है। मैं तुझे ऐसे अकेले कैसे जाने दूंगा? तुझे संभालने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। मैं तुझे ऐसे अकेले नहीं जाने दे सकता। तू मैं अकेला जाऊंगा। मैं सब शांत भाई, चंदा तुझे अकेले जाना है ना, तू जा, हर खुद को संभालना, ठीक है? मैं यहाँ पे बाकी सब देख लूंगा, तू जा। शर्मा तुम्हें कहाँ ढूंढूं मैं?
नहीं 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 नहीं, इधर से नहीं जा सकती। यहाँ बाहर के गुंडे हुए तो क्या करूँ? इधर से जाना खतरे से खाली नहीं है। चुपचाप यहाँ से निकल जाती हूँ। बुरी नजर हर खतरे से हमारी बच्ची की रक्षा करना माता रानी, उसकी रक्षा करना। इसमें से एक पल की भी नजर नहीं हटनी चाहिए। कहा था ना मैंने, श्रद्धा तुम हमारी नजर से कैसे बच सकती हो? नहीं बच सकती तो। और तुम दोनों ध्यान से ये कान खोलकर सुन लो कि आइंदा से इसने हमारी तरफ तुम तीनों मुस्टांडों से ये कमजोर लड़के नहीं संभाली जाती। जाओ यहां से और पकड़ो उसे। चलो ए, रुक। Shraddha.
आराम से, आराम से। श्रद्धा, श्रद्धा। श्रद्धा मिली क्या? हम फौरन अस्पताल आ रहे हैं। श्रद्धा की हालत बहुत बिगड़ गई है। जल्दी चलो अभी। खुद श्रद्धा पहुंच गए। नर्स, नर्स, मेरी वाइफ को लेबर पेन लो प्लीज। लेजर लेकर आओ। लेकर आओ जल्दी। मेरी बीवी और बच्चे को बचा लीजिए, प्लीज बचा लीजिए उन्हें। मैं देखती हूँ। क्या हालत कर दी है उसने मेरी बच्ची की। मम्मी, श्रद्धा को कुछ भी हुआ ना तो मैं मर जाऊंगा मम्मी। मैं नहीं जी सकता उसके बिना मम्मी। अबे हमारी श्रद्धा को कुछ नहीं होगा। तुम्हारी बीवी तो हमारे पूरे परिवार की जान है। देखना, माता रानी उसे और बच्चे को हमारे पास वापस भेज देगी। कुछ नहीं होगा उसे, कुछ कुछ नहीं होगा। इस वक्त मिसेज त्रिपाठी का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। पूरे नहीं हुए तो ऑपरेशन करने में खतरा तो नहीं होगा? देखिए, इस वक्त वो जिस हालत में है उसमें बच्चा और माँ दोनों की जान को खतरा है। मिस्टर त्रिपाठी, आप इस पर साइन कर दीजिए जिससे हम ऑपरेशन की तैयारी कर सकें। क्या है? आपकी पत्नी की हालत बहुत खराब है। इतनी बुरी स्थिति में हम शायद बच्चा या माँ दोनों में से किसी एक को बचा पाए। उसके लिए आपकी इजाजत बहुत जरूरत है। डॉक्टर, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं ये साइन नहीं कर सकता। मिस्टर त्रिपाठी, आपको ये फैसला अभी लेना होगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है। मिस्टर त्रिपाठी, आपके लिए ये फैसला लेना इतना मुश्किल है मैं समझ सकती हूँ, पर इस समय श्रद्धा की जो हालत है, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जब तक आप ये फॉर्म भरते हैं मैं ऑपरेशन की तैयारी करती हूँ। अबे, ये
आपकी बहू माँ बनने वाली है। हमारे लिए जरूरी है, हम एक को चुन के दूसरे को नहीं छोड़ सकते। अब अरे डॉक्टर को, हमारी बहू या हमारे पोता पोती को, दोनों को भी बचाना होगा। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर डॉक्टर मेरे बच्चे को बचा लीजिए प्लीज डॉक्टर। शारदा जी, लंबी लंबी सांसें लीजिए। नर्स, जल्दी से जाकर इनके हस्बैंड से फॉर्म पे साइन लीजिए। इन्हें एनेस्थेसिया देना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर। अरे इतने जल्दी तुम अपने बच्चे को मारने के लिए साइन भी कर दोगे? तनुजा जी, इन सब बातों का वक्त नहीं है। तनुजा भाभी, अंदर श्रद्धा दर्द में है और अब ये सब बातें लेकर बैठ गई। सुना नहीं आपने डॉक्टर ने क्या कहा? अरे डॉक्टर शायद कुछ भी बोले, हम दूसरे डॉक्टर को भी तो दिखा सकते हैं ना। अरे ये कोई बकवास तो नहीं है। मम्मी प्लीज फॉर्म वापस दीजिए। नहीं, हम नहीं देंगे। अरे और भी तो रास्ते होंगे। अरे हम ऐसे किसी एक ही रास्ते को काहे चुने? चाची जी, आप कैसे पत्थर दिल हैं? हम यहाँ जितना वक्त लगाएंगे हमारी नींदों की जान उतने खतरे में है। अरे ये बच्चे के लिए आप क्या कर रही हैं? कीर्ति शांत हो जाओ, देखो सभी लोग परेशान। क्या परेशान है वरुण जी, क्या परेशान है ये? अरे ये तो तैयार बैठी है, बच्चे के लिए हमारी नींदों की जान भी ले सकती है। ये बच्चे की पड़ी है, दीदू चाहे जितना भी कर ले, हर बार बात उनकी जान पे ही आ जाती है। कीर्ति, हमेशा दूसरों को बातें सुनाती रहती हो, कभी दूसरों की बात सुन भी लिया करो। यहाँ दोनों को बचाने की बात हो रही है, श्रद्धा और उसके बच्चे दोनों को। सर, आपने फॉर्म पे साइन किया ना? डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। मम्मी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये फॉर्म वापस दे दीजिए। तुम श्रद्धा को कैसे संभालोगे जब मुझे पता चलेगा तुम अपने बच्चे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? बोलो। इस वक्त मेरे लिए श्रद्धा की जान से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है। मम्मी, मैं मर जाऊंगा इसके बिना। मम्मी प्लीज फॉर्म वापस दे दीजिए। मम्मी प्लीज फॉर्म वापस दे दीजिए। मम्मी मम्मी प्लीज दे दीजिए। प्लीज मेरे परिवार को बचा लीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरे परिवार को बचा लीजिए। देखिए डॉक्टर पूरी कोशिश करेंगे कि माँ और बच्चा दोनों को बचाया जाए। उनकी कोशिश और आप सबकी दुआएं उन्हें बचा सकती हैं। खड़ा।
श्रद्धा। भाई श्रद्धा, श्रद्धा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैं उसे बचा के भी हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगा यार। मैं क्या करूं यार, मैं इतना मजबूर हो गया हूं यार। बता भाई मैं क्या करूं, बता मैं क्या करूं यार, मुझे बता भाई मैं क्या करूं। बुआ जी आप बताइए मैं क्या करूं, श्रद्धा को कुछ हो गया ना। पापा आप बताओ ना पापा मैं क्या करूं, आप मदद कीजिए ना, कुछ तो करिए यार। बताओ जी आप सबसे बड़े घर में, आप बताइए ना क्या करूँ। ताई जी आप बताइए ना, श्रद्धा को कुछ हो गया ना, दीदू के लिए कुछ तो बताओ यार। पापा जी मम्मी जी आप बताओ ना, आपकी बेटी मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, जो कुछ तो ठीक हो जाए भाई। शांत हो जा मेरे भाई, हिम्मत मत हार। अरे वो श्रद्धा जिसने हमेशा हमेशा कीर्ति का ध्यान रखा, जिसने मेरी बेटी की जान बचाई और इस परिवार के हर इंसान की रक्षा की। अरे उसने तो पायल जो न जाने कितनी हजार गलत इरादों से यहाँ आई, उसके बच्चे और उसका भी ध्यान रखा। माता रानी का आशीर्वाद है उस पर, तो देखना कुछ नहीं होगा उसे। ना ही श्रद्धा को कुछ होगा और ना ही उसके बच्चे को। शांत हो जा मेरे भाई, देखना भी सब ठीक हो जाए। डॉक्टर कुछ भी हो जाए आप मेरे बच्चे को ही बचाइएगा प्लीज डॉक्टर, मेरे बच्चे को ही बचाइएगा प्लीज डॉक्टर। आप शांत हो जाइए, आंखें बंद करके आराम कीजिए। डॉक्टर उनका पल्स और बीपी चेक कीजिए। अगर श्रद्धा को या मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अपनी धमकियों से क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं अभय जी, आपके पास सिर्फ आधा घंटा है, वरना आपका ये बच्चा नहीं बचने वाला। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।